कन्या राशि फल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के पांचवें भाव में शनि 24 जनवरी को प्रवेश करेगा। बृहस्पति 30 मार्च को पंचम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 30 जून को वक्री अवस्था में पुनः चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहां मार्गी होने के उपरांत 20 नवंबर को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु मध्य सितंबर तक आपके दशम भाव में रहेंगे और उसके बाद नवम भाव में आ जाएंगे। इस वर्ष मई से जून के मध्य में विदेश यात्राओं के योग बनते हैं, इसलिए अभी आप इस दिशा में प्रयासरत हैं तो इस समय का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको मनवांछित स्थानांतरण मिल सकता है। यदि आप अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं तो इस वर्ष आप अपने घर के निकट आ सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके संबंध में आपको अनेक यात्राओं पर जाना होगा जो आपके व्यवसायिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। यदि आप किसी रचनात्मक कार्य में लगे हैं तो यह वर्ष आपका है। वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा और कुछ कठिन चुनौतियों से पार पाना होगा। आप काफी उत्साह में रहेंगे और अपनी ऊर्जा के बल पर हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे और उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक आवेग पूर्ण कार्य करने से आपके आसपास के लोग प्रभावित होंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक कार्य करें। कई कठिन कार्यों को आपको पूरा करना होगा जिनसे आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए यह वर्ष संभावनाओं का वर्ष है और आप में वह सामर्थ्य है कि आप अपने दम पर हर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि कोई लंबे समय से कर्ज चला रहा है तो इस वर्ष आप पूर्ण रूप से चुका पाने में सफल होंगे और सुकून भरी सांस लेंगे। अपने भाई बहनों से मधुर संबंध बनाए रखें और किसी वाद विवाद को बढ़ने ना दें। याद रखें, भाई बहनों की सहायता से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा जो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब आइए जानते हैं कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आपके करियर के बारे में। कन्या राशि 2020 के अनुसार इस जातक के लोगों के करियर के लिए प्रगतिशील वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपके करियर में बदलाव आएंगे और संभवतः आप स्थान परिवर्तन का अनुभव करेंगे, अर्थात कुछ लोगों का ट्रांसफर होगा और कुछ लोगों को नौकरी बदलने में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो प्रगति प्राप्त करेंगे। वर्ष की शुरुआत काफी मजबूत संकेत देती है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्य कौशल का परिचय देंगे और अपना शत प्रतिशत योगदान देने का प्रयास वर्ष पर्यंत करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई कार्यों के लिए सराहा जाएगा और आप प्रसिद्धि पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे लोगों के लिए वर्ष काफी उपलब्धियां प्रदान करने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा यदि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपका प्रदर्शन आपको आगे बढ़ाएगा। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आप धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आप में से कुछ लोगों को मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। वर्ष के मध्य भाग में आपको अधिक अनुकूलता महसूस होगी और आपकी अपने काम को समझने की परख में वृद्धि होगी, जिसका लाभ आपको दूरगामी रूप से प्राप्त होगा। इस वर्ष आप कठिन मेहनत के बल पर अपनी व्यवसायिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफलता अर्जित करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसलिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखें और मेहनत करें ताकि आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएं। आइए अब जानते हैं कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आपके आर्थिक जीवन के बारे में। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार कन्या राशि के लिए वर्ष 2020 आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि इस दौरान धन की आवक लगातार बने रहने से आप अपने हाथों में धन का आगमन महसूस करेंगे और आपका आर्थिक जीवन उन्नत होगा। इस दौरान आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। काफी समय से यदि आप अपना घर बनाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा इस वर्ष पूरी हो सकती है। यदि काफी लंबे से आपका धन कहीं अटका हुआ है तो उसे प्राप्त करने में आपको समस्याएं आ रही थी तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका वह धन इस वर्ष आपको वापस प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में निवेश करने के लिए यह वर्ष काफी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त आपको अचानक से मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। अप्रैल से जुलाई के बीच आपको शेयर बाजार, जुए, सट्टे तथा अटकल व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।
कन्या राशिफल 2020 के अनुसार आप अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन कर पाने में सफल होंगे। इस वर्ष के पूर्वाध में आपको अपनी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी और आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे तथा उत्तरार्ध में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे और उसमें अच्छा लाभ कमाएंगे। इस वर्ष की अवधि में आप अपने धन और निवेश को लेकर काफी सतर्क दिखेंगे, जिसके कारण आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन का लेन देन नियमित रूप से जांच पड़ताल के बाद करें, ताकि किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वर्ष आप कुछ हद तक बचत कर पाने में सक्षम होंगे। खर्च करते समय अपनी स्थिति का आकलन अवश्य करें। आप अपने मित्रों तथा संबंधियों को भी सहायता के रूप में धन देंगे, लेकिन सोच समझ कर ही निर्णय लें। अब आइए जानते हैं कन्या राशिफल 2020 के अनुसार आपके शिक्षा के बारे में। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उपलब्धियों को दर्शा रहा है। यह वर्ष छात्रों के लिए काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। जो तुरंत शिक्षा समाप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें नौकरी मिलने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। सितंबर महीने में विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की मुराद पूरी होने की संभावना है। इस वर्ष आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ रुकावटें भी आती रहेंगी। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। कन्या राशि 2020 के अनुसार कन्या राशि के लोग अप्रैल से जुलाई के मध्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करेंगे और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है, इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर मेहनत करें। अब आइए जानते हैं कन्या राशिफल 2020 के अनुसार आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कन्या राशिफल 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी शुभ रहने की संभावना है। परिवार में आपसी तालमेल मजबूत होगा और एक दूसरे की मदद से पारिवारिक रूप से संपन्नता को प्राप्त करेंगे तथा एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। वर्ष की शुरुआत में परिवार में सुख और शांति तथा सद्भावना का माहौल रहेगा और आपको भी अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आप स्वयं अपने परिवार के प्रति सभी कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे। परिवार में यदि पुरानी कोई समस्या चली आ रही है तो उससे निजात मिलेगी। जुलाई से नवंबर के मध्य आप परिवार की कई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा आपको समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। कन्या राशि 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको आगे बढ़कर अपने परिवार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा तथा अपने पारिवारिक जीवन को एक उच्चतम स्तर तक ले जाने का प्रयास करना होगा और इसके लिए सभी आवश्यक कार्यों को करने के लिए तैयार रहना होगा। पारिवारिक मूल्यों को महत्व दें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे तो आपके प्रति परिवार के लोगों में प्रेम का भाव विकसित होगा, जो आपके पारिवारिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी बन जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर आपको चिंताओं से दूर रहना होगा, जो आपको काफी हद तक विचलित कर सकती है। ध्यान रखें कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप न करने दें। इससे न केवल आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि आप सुकून की सांस भी लेंगे। अब आइए जानते हैं कन्या राशिफल 2020 के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन एवं संतान के बारे में। वैवाहिक युगल के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो इस साल उन्हें कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा अत्यधिक धन लाभ होने की संभावना रहेगी, जिसके चलते आपको भी लाभ होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मई से सितंबर के मध्य आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, जिसके कारण संभव है कि कुछ समय के लिए आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़े, लेकिन यह दूरी आपके संबंधों को मजबूत ही करेगी। 15 मई से 15 सितंबर के बीच पारिवारिक संबंधों में तनाव की वृद्धि होने की संभावना रहेगी, इसलिए इस दौरान अपने जीवन साथी का साथ दें और उनके साथ पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखें। इस 15 दिसंबर तक स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी और वर्ष के अंतिम 15 दिनों में स्थिति में पुनः कुछ बदलाव आ सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है।
कन्या राशि फल 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत आपके बच्चों के लिए सामान्य रूप से शुभ रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में संतान सामान्य व्यवहार करेगी, लेकिन अप्रैल के बाद की स्थिति में सुधार होगा और जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। यदि आप अभी तक निसंतान हैं, तो इस वर्ष आपकी मुराद पूरी हो सकती है और संतान प्राप्ति से परिवार में खुशियों की सौगात मिल सकती है। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह इस वर्ष हो सकता है। मई से सितंबर के बीच संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि कोई बड़ी बीमारी ना पनपने पाए। बाकी समय काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आइए अब जानते हैं कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आपके प्रेम जीवन के बारे में। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव में स्वराशि में शनि का प्रवेश 24 जनवरी को होगा। तब से आपके प्रेम जीवन में गहराई आएगी और आप जीवन मूल्यों को समझते हुए अपने प्यार को काफी महत्व देना प्रारंभ करेंगे। हालांकि 11 मई से 29 सितंबर के बीच कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, जिससे बचने के लिए आपको अपने रिश्ते में ईमानदारी बरतनी होगी। आपको अपने प्रियतम को यह महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रियतम ही आपके लिए सब कुछ है। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत और फरवरी का महीना आपके लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा और इस दौरान आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। इस दौरान आपका साथी आपको हर काम में मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा, जिससे आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी और आप अपने प्रियतम के साथ वर्ष के दौरान खुशी पलों का आनंद लेंगे। वर्ष के मध्य में आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षण महसूस करेंगे। मर्यादित आचरण करें ताकि रिश्ते की अहमियत बनी रहे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। यह वर्ष अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का है और एक दूसरे को अच्छे से समझने का है, इसलिए अपने प्रेम जीवन को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष का पूरा लाभ लें। अब आइए जानते हैं कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आपके स्वास्थ्य के बारे में। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर सकता है। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार आप इस वर्ष काफी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य संबंधित मामलों के लिए काफी शुभ है। आप ऊर्जावान रहेंगे और हर कार्य में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके अंदर उत्साह देखते ही बनेगा। इसके परिणाम स्वरूप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा और उसका प्रभाव आपके जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। अत्यधिक काम का बोझ खुद पर न डालें और थकान मोल न लें। कन्या राशि फल 2020 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष कोई खास बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते उसका उपचार कराएं। तंत्रिका तंत्र और पाचन संबंधित समस्याएं आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती हैं। हालांकि आप मानसिक रूप से काफी सबल रहेंगे, बस आपको इस वर्ष स्वयं को फिट रखने का प्रयास करना चाहिए। आप योग और ध्यान की गतिविधियों में भी रुचि लेंगे और इसके कारण भी आपको काफी लाभ होंगे। आइए जानते हैं वर्ष 2020 में किए जाने वाले विशेष ज्योतिषीय उपाय के बारे में। आप महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करें तथा साथ ही साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं और उनकी पीठ पर 3 बार हाथ फेरें। इसके अतिरिक्त 1 से 11 वर्ष की आयु की छोटी कन्याओं और अपनी बहन बुआ मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग की साड़ी सूट अथवा चूड़ियां भेंट करें। बुध के दोषों को दूर करने, अल्सर अपच एवं रक्त संबंधी विकारों से बचने के लिए आप विधारा मूल की जड़ को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2020 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।